हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने मैचबॉक्स का कार बनाया है जो कि इस तरीके का है और काफी स्पीड में चलता है। चलिए देखते हैं बनता कैसे है। इसे बनाने के लिए सिंपली हम तीन मैचेस का यूज करने वाले हैं। तो ये देख सकते हो, ये खाली मैचेस है और हॉट ग्लू का यूज करके आपको इस तरीके से चिपकाना है। अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है गाइस, तो आप यहाँ पे फेविकोल भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से तीनों को आपको चिपका लेना है। और ये देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है और हम सिंपल 3 वोल्ट वाला डीसी मोटर यूज़ करने वाले हैं जिसमें एक स्विच अटैच है। और व्हील के लिए हम बॉटल कैप का यूज़ कर रहे हैं गाइज। अगर आपके पास पुराना कार का व्हील है तो उसे भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं स्ट्रो ले रहा हूँ। ये 10 रुपये वाले पैकेट आते हैं जूस का, उसमें से ये स्ट्रो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसके साइज के हिसाब से कट कर लो यहाँ पर नाप कर, और फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो गाइज। तो 2 पीस मैंने यहाँ पे स्ट्रो निकाला है और ये देख सकते हो, ये लकड़ी का डंटी जो कि यहाँ पे व्हील बनाने में काम आएगा। तो अगर आपके पास इस तरीके का स्टिक ना हो तो आप साइकिल का स्पोक भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये लग चुका है और दोनों साइड हम इसे अच्छे तरीके से चिपका देंगे गाइज। तो आगे का व्हील तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं पुली यूज़ कर रहा हूँ गाइज, एक बड़ा सा पुली है जो कि हम व्हील के साथ अटैच कर देंगे, जो कि हमारी व्हील को घुमाने में हेल्प करेगा ये। अगर आपके पास पुली नहीं है तो आप कार्डबोर्ड का भी इस तरीके से बना सकते हो गाइस, बनाना काफ़ी आसान है। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, वो फर्स्ट आगे वाला व्हील था रेड कलर वाला, और ये ग्रीन वाला हमारा पीछे का व्हील है। और यहाँ पे देख सकते हो, मोटर में कोई भी पुली नहीं है, तो हम हॉट ग्लू की मदद से यहाँ पे एक पुली बनाने वाले हैं गाइस। तो ये देख सकते हो, पहले आपको हॉट ग्लू लगा लेना है, फिर इसे शेप दे देना है पुली का। सिंपल, मैं फटाफट इसे एक पुली का शेप दे देता रहा हूँ। आप चाहे तो हॉट ग्लू से बड़ा वाला भी पुली बना सकते हो। और ये देखिए गाइस, मोटर को सामने चिपका देंगे इस तरीके से। और मैं यहाँ लिथियम बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, 3.7 वोल्ट वाली। और इसे आप चेक करके देख लो कि हमारा जो गाड़ी है वो आगे चल रहा है या नहीं, फिर आप बैटरी को आराम से कनेक्ट कर सकते हो प्लस माइनस देखकर। और यहाँ पे मैंने स्विच भी अटैच किया है तो ऑन ऑफ करने में काफ़ी आसानी होगा। और फटाफट मैं इसमें टेप चिपका दे रहा हूँ ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। और इसके अंदर हम इसे फिक्स कर देंगे बैटरी को, देख सकते हो ये अब बैटरी दिख भी नहीं रहा है, आसानी से ये फिक्स हो चुका है। और जो स्विच है उसे भी हम फिक्स कर देंगे गाइस। तो ये देखिए, हमारा कार बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। छोटा सा आपको रबड़ बैंड लगाना है जो कि इसके साइज़ का हो, ना ही ज़्यादा ढीला हो ना ही ज़्यादा टाइट हो। यहाँ पे देखिए, मस्त ये लग चुका है। और वो जो पुली बनाया है गाइस हॉट ग्लू का, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, आप देख सकते हो। और ये काफ़ी स्पीड में घूमता है। तो इसे ग्रिप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो ट्यूब होता है गाइस, ये पतला वाला ट्यूब है साइकिल का, आप ट्यूब यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हम इसे चिपका देंगे। तो पीछे वाला चक्का में मैं सिर्फ सिंपल ट्यूब लगा रहा हूँ ताकि ये ग्रिप बने और जो हमारा कार है वो अच्छे से चले। तो ये देखिए, ये कार बनकर तैयार हो चुका है गाइज। चलिए हम इसे बाहर चला कर देखते हैं कि हमने जो बनाया है वो अच्छे से काम करता है या नहीं। देख सकते हो गाइज, यहाँ पर मैं बाहर आ चुका हूँ और इसका लुक काफ़ी अच्छा है गाइज, आप देख सकते हो। और काफ़ी अच्छा से वर्क भी करता है, काफ़ी फास्ट भी चलता है। चलिए हम इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारा कार किस तरीके से काम करता है। सिंपल सा स्विच दबाना आपको। देखिए गाइज, कितना फास्ट है यार, कितना फास्ट है। आप इसे पकड़ भी नहीं पाओगे गाइज अगर ये सिंपल चलेगा तो। तो देख सकते हो, काफ़ी फास्ट है ये कार। और इसका आप आवाज़ सुन सकते हो गाइज, इसका कितना आवाज़ खतरनाक निकल कर आ रहा है। और अगर आप इसे बैलेंस नहीं करोगे, आगे मैंने थोड़ा सा वजन डाला था, तो अगर आप इसे बैलेंस नहीं करोगे तो ये सिंपल सा चलेगा भी नहीं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से पलट जाता है। तो इसे बैलेंस, वेट बैलेंस करने के लिए आगे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लोहे के 2 रिंग डाले हैं इसमें इस तरीके से। और अब हम चलाएँगे तो ये अच्छे से चलेगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू सून।